সাসপেনশনের বিরুদ্ধে ধর্ণায় বসবেন বিরোধীরা এমনটাই জানানো হয়েছিল এবং ঠিক সেই মতই কিন্তু আজও গান্ধী মূর্তির পাদদেশে ধর্ণায় বসেন বিরোধী দলের সদস্যরা রাহুল গান্ধীর নেতৃত্বে চলে সেই ধর্ণা আপনারা দেখতে পাচ্ছেন সেই ছবি সাসপেনশনের বিরুদ্ধে তাদের এই ধর্ণা চলছে এর আগে সাসপেনশন তুলে নেওয়ার জন্য আবেদন জানানো হলেও সেই সাসপেনশন বহাল রয়েছে এবং তার জেরেই সকাল দশটা থেকে গান্ধী মূর্তির পাদদেশে ধর্ণায় বিরোধী দলের সদস্যরা সাসপেনশনের প্রতিবাদেই চলছে এই ধর্ণা আমরা কথা বলবো আমাদের সঙ্গে ফোন লাইনে রয়েছেন আমাদের প্রতিনিধি নীরজ ঠাকুর নীরজ জি কি আপডেট হ্যায় जी देखिए सुबह 10 बजे कांग्रेस ने हर रोज अब ये एक उन्होंने बना लिया है कांग्रेस के नेतृत्व में तमाम विपक्षी दल जो है वो 10 बजे गांधी मूर्ति पे पहुंचते हैं और लगातार वहां नारेबाजी करते हैं और सरकार की जो नीति है उनके खिलाफ और जो 12 सांसद निकाले गए हैं उनको बहाल कराने के लिए अपोजिशन पार्टी साफ कर चुकी है चाहे वो कांग्रेस हो चाहे एनसीपी हो या फिर टीएमसी हो सबने साफ कर दिया कि माफी मांगने का कोई वो नहीं है कि माफी नहीं मांगेंगे क्योंकि सरकार ने कहा था माफी मांगिए तो आपको वापस ले सकते हैं तो उन्होंने कहा किस बात की माफी यानी सभी विपक्षी पार्टी अड़ी हुई है कि कोई माफी मांगने का सवाल ही नहीं उठता है और लगातार विरोध करते रहेंगे और अभी फिलहाल विरोध प्रदर्शन खत्म हुआ है सब अंदर हाउस में गए हैं कल हालांकि लोकसभा में थोड़ा बहुत काम हुआ था लेकिन राज्यसभा में कल भी बिल्कुल काम नहीं हुआ था और आज भी अभी हंगामे के आसार बने हुए जी शुक्रिया नीरज जी हमारा कथा बोल आम प्रतिनिधि नीरज ठाकुर संगे